ये जो वीडियो है ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ चैनल और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि ये एक्सरसाइज के रिलेटेड वीडियो है जो कि मैं एक्सपीरियंस हर समय करती हूँ जब भी मैं ये वाला एक्सरसाइज करती हूँ। आप देखिए इधर स्क्रीन पे देखकर आपको समझ में आ गया होगा ये वाला जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब भी मैं ये मुझे कुछ ना कुछ होता ही। सो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ मुझे होता है, ऐसा बहुत है कि जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है दे फेस दिस प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि थंबनेल में लिखा है कि इफ पोस्ट वर्कआउट मीन्स पोस्ट वर्कआउट ऑफ द पोस्ट डे ऑफ वर्कआउट ऑफ द स्क्वाट क्या होना चाहिए, मतलब पोस्ट वर्कआउट डे स्क्वाट का क्या होना चाहिए यह लिखा है। सो अकॉर्डिंग टू मी स्क्वाट जब आप लोग करते हो, मतलब जो हर रोज करते हैं, पता नहीं मैं मुझे नहीं पता वो लोग कैसे करते हैं, मगर मैं अपनी बात बोल रही हूँ। मैं जब भी करती हूँ वर्कआउट स्क्वाट करती हूँ, चाहे वो किक बॉक्सिंग में स्क्वाट हो या नॉर्मल जब स्क्वाट करती हूँ, हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट जब भी मैं करती हूँ तब मेरा ऐसा हालत हो जाती है कि दूसरे दिन मतलब तो उसके बाद वाले दिन मैं चलने फिरने की लायक नहीं रहती। सो मीन्स आई एम नॉट एबल टू वर्क एंड सच में मैं इतना मुझे पेन होते हैं कि मुझे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इट्स पेनफुल, इट्स रियली पेनफुल, मतलब पूरा जो थाई मसल है जो हैमस्ट्रिंग है एकदम एक्सरसाइज वाला अगर वर्ड पे बोले तो जो हैमस्ट्रिंग है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाते हैं। मेरा होता है, मुझे लगता है ऐसे बहुत जन का होता है, अगर आपका भी होता है तो आप कमेंट डाउन बिलो कीजिए। तो हैमस्ट्रिंग में बहुत बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, थाई मसल एंड कप में भी बहुत, मतलब जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है एंड टू द कप मसल वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि उसके मतलब मैं पहले ऐसे करती थी कि जब मैं पहला दिन स्क्वाट करती थी उसके बाद वाला दिन आई स्किप द एक्सरसाइज बिकॉज इतना पेन होता है कि मैं कर ही नहीं पाती, मैं चल ही नहीं पाती, मैं एक्सरसाइज क्या करूँ। बट दिस टाइम आफ्टर डूइंग किक बॉक्सिंग विथ स्क्वाट आई गेट अ सोल्यूशन कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आई डिड द स्ट्रेच ऑल्सो आफ्टर एक्सरसाइज जो कि करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको गर्दन वगैरह हाथ पे पैरों पे पेन होता है तो स्ट्रेच से बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल ही जाता है आपको आफ्टर पोस्ट एक्सरसाइज। स्ट्रेच इज मस्ट एंड प्री एक्सरसाइज वार्म अप इज मस्ट, बिफोर एक्सरसाइज वार्म अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेच की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आज भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जब सुबह उठी मैं पहले काम ही करती हूँ कि मैं पहले एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद फिर दूसरे काम पे आती हूँ। मैं जब सुबह उठी आई वॉज फीलिंग कि आई एम नॉट एबल टू वर्क, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क एंड नाउ वॉज आई एम नॉट एबल टू वर्क। दैट टाइम मैंने क्या की कि मैं कुछ एक्सरसाइज कर लूँ, एक्सरसाइज तो मुझे करना ही है और मैं कुछ एक्सरसाइज कर लूँ जो कि पैरों का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, जिसमें आपका स्टोमक एंड अपर बॉडी का एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ एक्सरसाइज जिसमें थोड़ा बहुत मॉडरेट पैरों का काम है जो कि आपका नी टचिंग होता है वो सब काम है जो मैं ईजिली कर सकती हूँ। मैं सिर्फ जो पैरों में मूवमेंट होता है ना ज़्यादा किक वाला मूवमेंट या फिर द अपर हैंड टच वाला मूवमेंट, नॉट अ एल्बो किक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल्बो टच टू नी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपर हैंड जो किक वाला मूवमेंट होता है वो सब जो मूवमेंट होता है उस समय मतलब उस सब मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरा पैर उस हालत में नहीं है कि मैं उसको इतना दूर उठाकर हाथ के साथ टच करूँ या फिर मैं फिर से स्क्वाट करूँ। तो स्क्वाट के बाद वाले दिन जो लोग स्क्वाट फिर से नहीं कर सकते, जिसे मैं नहीं कर सकती और मैं बाद वाला गया उसके दो दिन तक मैं नहीं कर सकती क्योंकि पैरों का हालत बहुत नम हो जाता है आफ्टर बीइंग स्ट्रेच आल्सो एंड
मतलब आई कांट इवन वर्क, ये प्रॉब्लम होता है एंड इट्स वेरी मच पेनफुल. मतलब मुझे लग रहा है कोई मुझे मार कर गया है पैर में, बहुत ज़्यादा हैमर से मारा है मेरे हैमस्ट्रिंग पे और गर्ब मसल पे, ऐसे मुझे फील हो रहा है. तो फिर भी एज बींग स्टबर्न अबाउट एक्सरसाइज, तो मैंने किया वो एक्सरसाइज जो अपर बॉडी का एक्सरसाइज होता है. तो आप लोग, मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि जो लोग थक जाते हैं या फिर जिन लोग का पैर पे दर्द होना शुरू हो जाता है, मॉडरेट से एक्सरसाइज कर लो. कुछ जो अपर बॉडी का एक्सरसाइज है जिसमें पैरों का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, वैसे एक्सरसाइज कर लो ताकि आपको आपका एक्सरसाइज भी स्किप ना हो. और अगर आपका लोअर बॉडी काम नहीं कर पा रहे तो अपर बॉडी का कुछ फिटनेस हो जाता है, अपर बॉडी का कुछ वर्क हो जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट माई सजेशन. एंड मतलब मैं इस वजह से, मतलब मैं जो किकबॉक्सिंग की जो पॉप शुगर वाला मैं वीडियो चलाई थी, तो मैं उस वीडियो को चेक नहीं की थी उसमें स्क्वाट है कि नहीं, बिकॉज आई फील वेरी मच स्क्योर्ड अबाउट स्क्वाट. स्क्वाट के नाम से मुझे डर लगने लग जाता है. मुझे करने में, तब मैं जब करती हूँ तब मुझे कुछ नहीं होता है, आई कैन डू 50 स्क्वाट ऑल्सो, बट आफ्टर मेथ ऑफ स्क्वाट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर मी. एंड फॉर दिस रीजन आई अवॉइड स्क्वाट. मैं जब भी स्क्वाट कर लेती हूँ मुझे लगता है बस मैं तो गई आज. मतलब एक वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें आपको वो करना ही होगा कि हाफ बॉडी स्क्वाट करके जो पंचिंग होते हैं वो आपको करना ही होगा. मगर जब मैं कर लेती हूँ आफ्टर दैट आई फील स्क्योर्ड अबाउट इट कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ. तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ दिस, फॉर दिस रीजन आई अवॉइड स्क्वाट, डूइंग स्क्वाट. तो मगर मेरे पास अभी सोल्यूशन है. अगर मैं स्क्वाट की बात वाले दिन, आई डोंट हैव टू स्किप माई एक्सरसाइज, आई कैन डू माई अपर बॉडी एक्सरसाइज. सो दैट्स वॉट आई नीड टू शेयर विथ यू. अपर बॉडी में बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, जैसे अगर आप डांसिंग में भी करो तो बेली डांस एक फॉर्म है अपर बॉडी. एरोबिक डांस का भी बहुत सारा होता है पार्ट अपर बॉडी का, कि सीटअप पुशअप जो डांस में नहीं आता है, पुशअप नहीं सीटअप, वो भी अपर बॉडी एक्सरसाइज है. ऐसे बहुत सारा एक्सरसाइज आपको अपर बॉडी का एक्सरसाइज मिल जाएगा. बेसिकली आई डू डांस, सो अपर बॉडी डांस भी होता है, लोअर बॉडी का जहाँ पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए तो ऐसा भी एरोबिक डांस होता है. सो आई डू दैट. सो दैट्स ऑल मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ. एंड आई एम लिटरली सेइंग आई एम नॉट इन द पोजिशन टू वर्क, बट आई स्टैंड समहाउ एंड आई डिड माई एक्सरसाइज. आई लिटिल बिट लेग मूवमेंट तो होता है मगर उतना भी उछल कूद नहीं होता है जितना, जहाँ पर आपका पैर पे और ज़्यादा मतलब प्रेशर आए और दर्द शुरू होने लग जाए. अगर आपको इसका भी सोल्यूशन पता है, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता है कि ये जो पेन है वो कैसा जाता है, अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है कि हाउ वी कैन गेट रीड ऑफ दिस पेन, देन यू कैन इन्फॉर्म मी अप. यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई विल लव टू नो, बिकॉज आई डोंट have problem to do the squat but I feel scared by the aftermath of the squat जो होता है. तो शायद से ये वीडियो आपका भी कुछ काम पे आ जाए कि जिन लोग को ऐसा लगता है कि आफ्टर स्क्वाट करने के बाद जिन लोग का बहुत ज़्यादा पेन होता है और आप लोग नहीं कर पाते दूसरे दिन कुछ भी, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हो. आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो दिस वीडियो एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी इफ यू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट कि वट इज़ द सोल्यूशन गेटिंग रीड फ्रॉम दिस पेन, कि स्क्वाट करने के बाद क्या करना चाहिए जहाँ पर आपका ये जो मसल पेन होता है वो नहीं होगा. तो अगर आप मुझे बता दोगे तो अच्छा होगा मेरे लिए. तो मतलब इट कैन बी यू नो बाई डिरेक्शनल कन्वर्सेशन आई फील सो. तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो में एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही बोलना था कि सच में मुझे मैं आज सोच रही थी कुछ और के बारे में मैं बनाऊँ, मगर जब कल से मेरे साथ ये हो रहा है आफ्टर डूइंग द स्क्वाट, दैट टाइम आई फील कि आई नीड टू शेयर विथ यू एंड आई नीड टू गेट द आंसर फ्रॉम यू ऑल्सो कि वट शुड आई डू नाउ इफ यू नो द सोल्यूशन. तो दैट्स ऑल, और मैं वीडियो को एंड करती हूँ. अब सुस्त रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, जब भी बाहर जब प्रिकॉशन में से लेते जाइए. और मिलते हो आपसे दूसरे वीडियो या फिर ब्लॉग पे कुछ और लेकर, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज किंकिनीज ब्लॉग, सॉरी
किंकिनी ब्लॉग्स बाय किंकिनी चक्रवर्ती। आज का जो वीडियो मैंने बनाई हूँ वो पूरा मेरी एक्सपीरियंस के, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मैं बनाई हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल या फिर कोई ट्रेनर नहीं हूँ। सो इफ़ यू आर फीलिंग मोर प्रॉब्लम सो यू कैन कंसल्ट विद योर डॉक्टर और ट्रेनर, बट दिस वीडियो व्हाटएवर आई एक्सपीरियंस आई जस्ट शेयर विद यू।